गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. क्लियर? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सारा का सारा हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एग्जांपल्स है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक इन मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंटू इंटरोगेटिव. आपको पॉजिटिव सेंटेंस गिवन है, क्लियर? इसको इंटरोगेटिव में अपने कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को. जैसे कि फर्स्ट है, माई वॉइस इज ऑडिबल इन दिस रूम, कि मेरी वॉइस है इस रूम में पूरी तरह से कोई भी सुन सकता है, ऑडिबल है. क्लियर? तो इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछें, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है इस रूम में? तो कैसे बनेगा जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे ले. जैसे इज माई वॉइस audible in this room, is it clear? Second है, her purse was expensive, उसका जो पर्स है वो महंगा है. क्वेश्चन में इंटरोगेटिव में क्या पूछेंगे, क्या उसका पर्स महंगा है? तो कैसे बनाएंगे ये was है जो helping verb है इसको आगे ले. Was her purse expensive? Is it clear? Simple है, helping verb है, positive sentence से given helping verb को आगे ले आके last में आपने क्या put करना है, question mark. तो वो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, सी दे वर एट बुर्ज खलीफा इन दिल्ली. क्वेश्चन बनाना है तो क्या बनेंगे, वर दे एट बुर्ज खलीफा इन दिल्ली, क्या वो बुर्ज खलीफा दिल्ली में थे? क्लियर? मतलब कि जो ये हेल्पिंग वर्ब के बना इनको आके ले आओ, ये क्या बन जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे. इज इट क्लियर? जो रिमेनिंग है एग्जाम्पल्स ये वाली आप अपने खुद से ट्राई करनी है, इनको कन्वर्ट करने का, ये हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं. क्लियर? अगर आप ट्राई करोगे तो आपकी इंग्लिश और इंप्रूव होगी, ग्रामर आई, कैसे चेंज करने सेंटेंस के. क्लियर? इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ रीड दी सेंटेंसेस केयरफुली. क्लियर? जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में किए थे डू डज एंड डिड वाले सेंटेंस, याद है आपको? क्या किया था हमने उसमें, डू नॉट डिड नॉट डज नॉट, आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, वो सारा का सारा यहीं पे है, दोबारा से आ गया. क्लियर? उसमें हमने नेगेटिव बनाए थे, इसमें क्या करेंगे, सिंपल इंटरोगेटिव. अगर आपने लास्ट चैप्टर ध्यान से किया है तो आप इजिली आप इसको कर सकोगे. जैसे कि ही रीड्स फ्लुएंटली. क्लियर? वो अच्छे से पढ़ सकता है बिना रुके. क्लियर? रीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस, तो कौन सा सेंटेंस हो गई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपको पहले ही बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस को यूज करते हैं, और नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट. क्लियर? सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और नेगेटिव में डिड नॉट यूज करते हैं, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसमें क्या यूज होगा, डू नॉट और डज नॉट में से एक. क्लियर? तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर है तो डज. डज ही रीड फ्लुएंटली. अगर आपको डायरेक्ट नहीं बनाना तो इसको सिंपल नेगेटिव बना दो. जैसे कि ही डज नॉट रीड फ्लुएंटली, ये तो बना सकते हम लास्ट में, क्या ही डज नॉट रीड फ्लुएंटली. तो इंटरोगेटिव बनाना है, डज को आके लो, डज रीड नॉट को काट दो, नेगेटिव की लोड नहीं है, हमें जरूरत नहीं है. तो क्या बनेगा, डज ही रीड फ्लुएंट. क्लियर? समझ में? दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं मैं. जैसे कि आपको नहीं आता, ये हमने लास्ट में किया था डू नॉट डज नॉट डिड नॉट वाले, नॉट वाला बना लो इसका डेफ नॉट बोर्ड पर. जैसे कि ही रीड्स फ्लुएंटली का क्या बनेगा, ही डज नॉट रीड फ्लुएंटली. क्लियर? नॉट को कट कर दो. अभी क्या रहेगा, ही डज रीड फ्लुएंटली और डज हेल्पिंग वर्ब बन गया यहाँ पे, तो डज को आगे ले आओ तो ये क्वेश्चन वाला बनेगा, डज ही रीड फ्लुएंट. क्लियर? आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्या है, आई गो टू जिम, मैं जिम जाता हूं. क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें डू यूज करेंगे, सिंपल नेगेटिव बना लो इसका. आई डू नॉट गो टू जिम, I do not go to gym. Not को कट कर दो. I do go to gym, मगर do को आगे ले आओ. Do I go to gym, ये इंटरोगेटिव
बन गया। क्लियर, जैसे भी आपको इजी लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर, रिमेनिंग एग्जांपल्स आपके सामने सारी की सारी, किस तरह से इनको कंप्लीट करना है। क्लियर, जैसे कि ये फिफ्थ वाला कर लेते हैं हम, पास्ट का ये, शी सा द रेड फोर्ट, उसने रेड फोर्ट को देखा, सा बी टू लगा हुआ है, पास्ट की बात हो रही है, तो इसका क्या बनाएंगे, पास्ट में डिड करते हैं, डिड को अकेले, डिड शी सी द रेड फोर्ट। क्लियर, जैसे कि हमने डू नॉट डाल, इसमें डिड यूज किया। क्लियर, पहले नेगेटिव बना लो फिर उसको आगे लिया होगा, इस तरह से आप कंफ्यूज हो। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है, चेंज दी सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं डू डज डिड यूज करके, जैसे कि हमने ये किए थे ना एग्जाम्पल्स, इस तरह से ये अभी आपको एक्सरसाइज आ गया। क्लियर, फर्स्ट है शी ओपन्स द गेट। क्लियर, शी ओपन्स, वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस। क्लियर, शी ओपन, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, डज। क्लियर, सिंगुलर है शी, डज शी ओपन द गेट, या फिर इसको नेगेटिव बना लो पहले, शी डज नॉट ओपन द गेट, नॉट को कट कर दो, डज को आगे लो, डज शी ओपन द गेट, जिस तरह से आपको इजी लगे। क्लियर, सेम है सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड, चिल्ड्रन मेड सैंड कैसल्स एट द बीच। क्लियर, मिट्टी के जो किले हैं बच्चों ने वो बनाए बीच पे, कैसल होता है किला। क्लियर, सैंड मीन्स रेत मिट्टी, मेड यानी कि बी टू सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, तो क्या यूज करेंगे हम, डेट। क्लियर, डेट आगे चिल्ड्रन, ये सेकंड को फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं क्योंकि डेट के साथ हम फास्ट करते हैं। डेड चिल्ड्रन मेक सैंड कैसल एट द बीच, बाकी सारे सेम के लिए क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव। क्लियर, क्लियर हो गया आपको कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं अपन। क्लियर, ये जो रिमेनिंग रह गई ये अपने आप कर लोगे आप, कि आप इसको कैसे बना सकते हैं इंटरोगेटिव, ट्राई करना अपने बनाने का। इज इट क्लियर? योर सेवन चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। थैंक यू।